तारक मेहता का उल्टा चश्मा। छोड़ी क्या करने वाले हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो समझाओ। ओ यारो, रोशन सिंह छोड़ी जो बोल रहा है ना, अभी समझ में नहीं आएगा, वो करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा। आओ जी तुसी आओ। अरे अरे, अरे कहाँ छोड़ी, कहाँ जाना है छोड़ी? आओ तो सही तुसी। अरे क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? चढ़ा पड़ा वो कैरम दी बोतल कितने? क्यों वो तुसी ले आओ तो सही। वाले ये सोड़ी भी हमें तो साथ लेके जाता अंदर। सोड़ी कम से कम आइडिया तो बता दे। कमाल है ये आदमी, आइडिया भी नहीं बता रहा है। ये सोड़ी का कुछ समझ में नहीं आता है, सब काम उल्टा सीधा करता है। अभी कह रहे थे जेठालाल का हिम्मत बढ़ाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोड़ी जेठालाल की हिम्मत बढ़ा पाएगा। मेरा मतलब है, अगर वो हिम्मत नहीं बढ़ा पाया तो जेठालाल चाचा जी से बात नहीं कर पाएगा ना, और फिर चाचा जी रोज पार्टी शार्टी करके आएंगे। सही बात है, फिर तो चाचा जी की पार्टी शार्टी की बात पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। ओहो, मतलब मेरी बहनों को पता चल जाएगा और वो चाचा जी के बारे में क्या सोचेंगी। कब से आपको देख रही हूँ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, और अभी मुझे यकीन होने लगा है कि नक्की कोई पोपट भौजी की बात है जो आपने कल मुझे नहीं बताई है। बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ माधवी, तुम जाने दो, जाने दो। अगर आपने अभी मुझे नहीं बताया ना, तो मैं पोपट भौजी को जाके पूछूंगी। रुको रुको रुको, उसको क्यों पूछता है तुम्हें? तो आप बताइए। जाने दो ना माधवी। अब कैसे जाने दो, कब से आपको टेंशन में देख रही हो तो मुझे भी टेंशन हो रहा है। बताइए ना क्या बात है, आपको मेरी कसम है। ये भी कसम क्यों दी माधवी, अब तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए तो कसम दी है, बोलिए। ठीक है, देखो माधवी, मैं जो भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत रख के सुनना। अहो अब डराइए मत, जल्दी से बताइए किस चीज को लेकर परेशान है आप। माधवी, मेरे परेशानी की वजह इसमें है। ए देवा माजा, कसे आहत हो तुम्हें, आधा मोबाइल को लेकर परेशान हो गए आप। ठीक से नहीं चल रहा है मोबाइल, तो जेठा भाई की दुकान से नया ले लेते हैं, उसमें क्या है। और आपको बजट का टेंशन है ना, तो EMI पे ले लेंगे ना। माधवी माधवी, एक मिनट, मोबाइल की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ। मैंने क्या बोला, मेरे परेशानी की वजह मोबाइल में है। एक मिनट, ये वीडियो देखो माधवी, ये वीडियो देखने के लिए मुझे पोपटलाल ने कल रात को बुलाया था, देखो। पार्टी शांति कर रहे हैं। हाँ, किसी बात को लेकर कल रात से हम पुरुष पंडित जी बहुत परेशान हैं। मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये अपने चाचा जी और ऐसा कैसा कर सकते हैं। हाँ आगे देखो, कल रात को जब सोसाइटी में आए थे ना रिक्शा से, देखो कैसे चल रहे हैं। कमाल है, वो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताता माधवी, मैं कैसे बताता। सच्चाई जानने के बाद तुम्हें कितना दुख पहुंचता, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। बुरा लगा ना तुम्हें? बुरा? सदमा लगा है मुझे, सदमा। हमारे अच्छे चाचा जी से अचानक पार्टी शार्टी कैसे करने लगे? अकेलापन माधवी, अकेलापन। याद है ना उस दिन रात को कैसे वो आसमान में देख के चाची जी से बात कर रहे थे? ये नक्की अकेलापन ही वजह है उनकी पार्टी शार्टी शुरू करने की। लेकिन ऐसे पूरी चीज का सहारा लेने की क्या जरूरत थी उनको? हम थे ना, पूरा गोकुलधाम परिवार उनके साथ है। एक बार भी बोलते ना तो कुछ भी कर जाते, लेकिन उनको अकेलापन महसूस नहीं होने देते। उनकी जिंदगी उनकी मर्जी, हम क्या बोले उसमें। देवा 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 देवा,
बेटा समान हमारे चाचा जी दूसरों में अच्छाई का बीज बोते थे हमेशा। कभी सोचा नहीं था ऐसे बिगड़े हुए काम करेंगे। ओ, अपने चाचा जी तो ढोंगी निकले हो, ढोंगी। दिन भर सबके सामने अच्छाई का ढोंग करते थे और रात भर नहीं नहीं करो संगू, मेरा ना अच्छाई से विश्वास ही उड़ गया अभी। माधवी जितनी जल्दी हो सके सच्चाई को मान लो उतनी तकलीफ कम होगी तुम्हें। वो कैसे कम होगी तकलीफ, यहाँ चुभिए यहाँ। जी चाचा जी मेरी नजरों से उतर गए आप, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। बात क्या, कभी आपका चेहरा भी नहीं देखूंगी। आप मुझे अभी के अभी वीडियो भेजिए, ये पूरा वीडियो मैं महिला मंडल को दिखाऊंगी और चाचा जी का सच सामने लाऊंगी। ओह माय गॉड, चाचा जी और पार्टी शादी, आप रेट्स कंप्लीटली अनबिलीवेबल। ये तो पूरे सपने से भी बुरा है, वेरी शॉकिंग। बिल्कुल, जो हमेशा से पार्टी शादी के सख्त खिलाफ थे, तो पुरुष मंडल को रोकते थे पार्टी शादी करने के लिए, और आज खुद ही पार्टी शादी। हाँ, और देखा ना आप सबने कैसे मस्त जम के एकदम मजे करके पार्टी शादी कर रहे थे। तो पर चाचा जी ने ऐसा किया क्यों? कोमल भाभी रीजन कुछ भी हो, पर हम चाचा जी से ये सब चीज एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते। हाँ, हमने हमेशा चाचा जी से अच्छाई की उम्मीद की है। ये सब से तो यही समझ में आ रहा है कि हमारे संस्कारी चाचा जी सिर्फ हमारे सामने अनुशासन की बातें करते हैं और हमारे पीठ पीछे ऐसी हरकतें करते हैं। नहीं, कब से करते होंगे ये सब। शिव 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 शिव। यू नो व्हाट, ये सब देख के ना आई एम एब्सोल्युटली अशेम्ड। मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं कभी भी चाचा जी का चेहरा देख पाऊंगी। यार राइट, चाचा जी के इस दोगलेपन की वजह से मुझे नहीं लगता मैं चाचा जी से कभी बात कर पाऊंगी। आई जस्ट हेट चाचा जी। खरे खरे, मैं तो कहती हूँ आज के बाद चाचा जी से हम में से कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। फिर तो पूरा सोसाइटी में चाचा जी का इमेज खराब हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैसे भी करके जेठा को हिम्मत देनी पड़ेगी। अरे आज बार हम कैसे हिम्मत बढ़ाएगा, थोड़ी उसको तो अंदर लेकर गए। मुझे डर लग रहा है, थोड़ी के खतरनाक आइडिया अक्सर हानिकारक होते हैं। लेट सी क्या होता है। अभी सब कुछ ऊपर वाले और मेरे बाजू वाले के हाथ में है। मेरे हाथ में? अरे अरे, बाजू वाला मतलब पड़ोसी पड़ोसी। अरे हाँ हाँ, अच्छा। लो जी, इसमें से दो चार गुट पी जाओ। क्या वो चाचा जी से डायरेक्ट पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी ना, तो दो चार गुट मार लो, वो मैं गारंटी देता हूँ। वो हिम्मत क्या, हिम्मत का बाप भी आ जाएगा। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है छोटी। वो कुछ भी नहीं, करेक्ट कह रहा हूँ। अरे क्या करेक्ट बोल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि बापू जी के सामने गया ना तो बापू जी मेरी धुलाई कर देंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा, कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी। ओ जी, धुलाई नहीं करेंगे, ओ चाचा जी खुद पार्टी शार्टी करना छोड़ देंगे। कैसे? जब तुसी पार्टी शार्टी की हालत में चाचा जी के सामने जाओगे तो चाचा जी को एहसास होगा मेरी वजह से मेरा बेटा पार्टी शार्टी करने लगा है, और कल को इसे देखकर टप्पू भी पार्टी शार्टी करने लगेगा, और फिर टप्पू को देखकर टप्पू का बेटा भी। वो ऐसे तो मेरी पीढ़ी की पीढ़ी पार्टी शार्टी के चुंगल में फंस जाएगी। अगर मेरी पीढ़ी को पार्टी शार्टी से बचाना है तो मुझे पार्टी शार्टी बंद करनी होगी। इतना मत सोचो जेठाबरा, सोचो कि इतनी सी कैरम पीने से गड़ा फैमिली की जनरेशन पार्टी शार्टी से बच सकती है।
टाइम लग गया ना इनको नहीं सोड़िए 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 अजी आ गए जेटावरा तैयार हो गए कहाँ जाने के लिए ओ कहीं जाने के लिए नहीं वो चंपक चाचा के सामने आने के लिए बट पूछने के लिए कि भाई वो पार्टी शार्टी क्यों कर रहे हैं अरे लेकिन वो तो कह रहा था ना कि उसमें हिम्मत नहीं है आ गई भाई आ गई हिम्मत आ गई कैसे वो देखना है कैसे ए वो दिखाऊं ओ जेठा ब्रा ओ आ जाओ जी आ जाओ अरे पिताजी क्यों पिताजी उड़ी उड़ी आजी आजी दसो क्या दसो कि क्या किया तूने ओ है एक किता क्या अरे क्या किया छोड़ क्यों किया अरे सॉरी चाचा जी का पार्टी चार्टी छुड़वा रहा था तूने तो जेठालाल का पार्टी चार्टी स्टार्ट करवा दिया जेठा भाई ऐसी हालत में चाचा जी से कैसे बात करेंगे ओए ऐसी हालत में ही बात कर पाएगा ओ यारो वो पार्टी शार्टी करने के बाद ना इंसान एकदम फ्री हो जाता है वो जो मन में होता है ना वो बेझिझक बोल देता है ओहो इसीलिए मैंने जेठाप्रा को पार्टी शार्टी कराई है अब जेठाप्रा जो मन में है ना वो बिंदास बोल देगा ओ चाचा जी के सामने जाकर एकदम फ्री होके पूछेगा कि पार्टी शार्टी क्यों कर रहे पिताजी पिताजी बस यही पूछना है चाचा जी से जाओ जेठापुरा जाओ फतेह करो अरे क्या फतेह करो तेरा दिमाग खराब हो गया जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम हुई है तुझे लगता है वही चीज प्रॉब्लम सॉल्व करेगी हाँ वो सुना नहीं है यारो वो लोहा ही लोहे को काटता है इसमें लोहा कहां से आया मुझे पता है ये कहावत है लोहा अलग है पार्टी शार्टी की बात अलग है तो ये कहावत यहाँ कहाँ फिट बैठती है अरे डॉक्टर हाथी अभी मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ ये कहावत फिट होती है या नहीं फिट होती है ये बिल्कुल अनफिट है इस हालत में कैसे बात करेगा चाचा जी से जेठालाल अरे यार जेठालाल तुम्हें तो मना करना चाहिए था ना सोड़ी को तुम कैसे मान गए इस चीज के लिए कौन अरे कौन क्या कौन जेठालाल तुम्हारे परम मित्र है मेहता साहब मेहता जी मेरे पिताजी पिताजी क्यों मेरे पिताजी बस यही पूछना जेठाप्रा जाओ जाओ अरे जाओ क्या जाओ कहाँ जाओ हमें कहाँ पता चाचा जी कहाँ गए ओ हाँ यारो चाचा जी जहाँ भी गए हैं वहां से आने में देरी हो गई तो और जेठाप्रा होश में आ गए तो ओए जब तक जेठाप्रा चाचा जी से बात नहीं कर लेता तब तक होश में नहीं आना चाहिए एक काम करता हूँ मैं जाकर और पार्टी शार्टी का स्टॉक लेकर आता हूँ अरे क्या स्टॉक लेके आता हूँ अरे ऐसी हालत में जेठालाल चाचा जी के सामने आना ही नहीं चाहिए आयो कहाँ से इमराज
अंकल देख कहाँ से अचानक कमिंग पप्पू जी जिंदगी में उसकी वजह से पप्पू जी पिताजी हाँ 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 भाई हाँ पिताजी पिताजी नहीं 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 इसकी हालत बहुत खराब है। ऐसी हालत में जेठालाल और चाचा जी का आमना सामना होना ही चाहिए। वो सोचो यारो, ऐसी हालत में जेठापरा जब चाचा जी के सामने जाएगा तो चाचा जी के कलेजे को कितनी ठंडक पहुंचेगी। अरे वो सोचेंगे, अरे मेरा बेटा खुद पार्टी शार्टी कर रहा है तो मैं चुप चुप के पार्टी शार्टी क्यों करूं? अब मैं सबके साथ मिल के पार्टी शार्टी करूंगा। पिताजी मतलब कहीं उनको बड़ा सदमा न लग जाए। चाचा जी के आने से पहले जेठालाल को कहीं छुपाना होगा। भाई को किसके घर पे छुपाएंगे? पोपटलाल के घर पे। हाँ ठीक है। क्यों मेरे घर पे क्यों? अरे पोपटलाल तुम्हारा घर सबसे सेफ है भाई, हम सब शादीशुदा है, हमारे घर पे बीवी आए, तुम्हारे घर पे नहीं है। हाँ। मुझे बहुत जल्द शादी कर लेनी पड़ेगी। अरे भगवान आप सुन रहे हैं, जल्दी से मेरी शादी कराइए, ये सब मेरे कुंवारे घर का बहुत मिसयूज कर रहे हैं। पार्टी शार्टी करनी है तो मेरा घर, जेठालाल को चाचा जी की पार्टी शार्टी वाली बात बतानी है तो मेरा घर, पार्टी शार्टी की हो जेठालाल को छुपाना तो मेरा घर। अरे मेरा घर घर है कि बाहर है? पोपटलाल भगवान तुम्हारा घर बाहर जल्दी बसा देंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। एक मिनट आता ना। मैं क्या बताऊ, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जेठालाल को इस हालत में पोपटलाल के घर पर ले जाते समय अगर सोसाइटी में किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। हाँ, सही बात है, कोई भी देख सकता है, रिस्क ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, हम सब पहले नीचे जाते हैं, देखते रास्ता साफ है कि नहीं, फिर मेहता साहब हम आपको फोन करेंगे, फिर आप जेठालाल को लेकर नीचे आ जाना। हाँ तुम्हारा कहने का मतलब है कि जेठालाल के साथ इस साल में मैं रुकूं यहाँ अकेला? चलो 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 चलो। दोस्तों आप लोगों ने हवाई जहाज में तो कई बार सफर किया होगा, लेकिन यदि किसी को हवाई जहाज के ऊपर बैठ के सफर करना पड़े तो कितना थ्रिल होगा। ऐसा ही थ्रिल, ऐसा ही रोमांच में महसूस कर रहा हूँ। अब देखना यह है कि आगे क्या पंगा होता है, जिसके लिए आपको मिलेंगे ढेर सारे ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.